नमस्कार, मैं संध्या सिंह आपके सामने आई हूँ आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र को कैसे जागृत करें उसको लेकर। आप में से बहुत सारे लोगों ने आज्ञा चक्र को कैसे जागृत करें उसके बारे में जानकारी चाहिए है, क्योंकि ये बड़ा फेमस है कि ये थर्ड आई है, इंट्यूशन है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ साथ मैं मूलाधार चक्र की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मूलाधार चक्र को जागृत करके तो वो जो इंट्यूशन है उसको आप ज़्यादा अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं और तब सही होता है, मतलब तरीका यही है। तो शुरू हो जाइए मेरे साथ। तो अब हम सबसे पहले तो देखेंगे, अपने समय का चुनाव करेंगे। आप लिख लीजिए इसको कि हम किस समय, हमारे लिए ऐसा समय है जब हम खाली पेट हों, आसपास डिस्टरबेंस ना हो और हमारे बिल्कुल शांत समय हो। ठीक है, वो समय होना चाहिए। और उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे कि स्थान क्या हो। वो स्थान, ऐसा स्थान हो जो अगेन उसमें टेम्परेचर आप अपना सही रखें और मिट्टी ना हो, कीड़े ना हो, नहीं तो आप आज्ञा चक्र क्या कुछ भी मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। साफ सुथरा हो और कोशिश करें कि एक ही स्थान पर करें रोज। अब हम बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं कि स्थान हो गया हमारा और हमारा समय हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारे वस्त्र कैसे हों, हमारे कपड़े वैसे हों जो बिल्कुल ही लूज हों, कहीं से भी हमारी सांस लेने में दिक्कत ना आ रही हो, है ना, इलास्टिक वाले हों, नाड़ा ना हो, ऐसे टाइट ना हो, बेल्ट ना हो, इस तरीके के कपड़े हों। और अब हमारी चौथी बात है, वो है कि हमारा जो पोजीशन है वो क्या हो। हमारी पोजीशन कोई भी हो सकती है, शवासन हो सकती है और इस तरह से चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं और उसमें क्या कहते हैं, सिद्धासन है, सुखासन है, पद्मासन है, वज्रासन, मतलब इस बात से है कि आपकी ये चेस्ट खुली रहे इस तरह से। ठीक है, तो अब जब हमने ये सारी चीज़ें डिसाइड कर ली तो हम शुरू करेंगे, सबसे पहले अपने सांसों पर ध्यान देंगे और सांसों पर ध्यान देंगे, उसको फील करेंगे, किस तरह आ रही हैं, जा रही हैं, दोनों फेफड़े किस तरह से भर रहे हैं, कौन सा फेफड़ा कम भर रहा है और कौन सा फेफड़ा कम ज़्यादा भर रहा है, मतलब बैलेंस करना। और उसके बाद दोनों फेफड़े ठीक ढंग से खाली हो रहे हैं या नहीं। तो शुरुआत, लेकिन हम हमेशा खाली, मतलब सांस छोड़ने से ध्यान लगाने की शुरुआत करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा प्राणायाम करते हैं, 8 या 10 साइकिल अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया, आप राइट को इस तरह से बंद करें और लेफ्ट से सांस धीरे धीरे छोड़नी है और इतनी छोड़नी है बिल्कुल लास्ट तक। आप धीरे धीरे उस पर भरनी है, जब भरेंगे तो हम सांस बेस से शुरू करेंगे और जब छोड़ेंगे तो यहाँ से खाली करेंगे। तो अब हम सांस भरेंगे, अब इसको बंद कर लेंगे और यहाँ से राइट साइड से सांस छोड़ेंगे। अब यहीं से सांस भरेंगे बिल्कुल आहिस्ता, ये हमारा एक साइकिल है। ठीक है, इस तरह के 8 साइकिल करने, और आपने देखा होगा कि जब आप सांस लेते और छोड़ते हैं, ध्यान दें तो सांस लेते समय सो की ध्वनि और सांस छोड़ते समय हम की ध्वनि आती है। इस तरह से हमारा मन एकदम शांत हो जाता है और हम ध्यान लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जब हमने ये सब कर लिया, अब हम अपनी आँखें, जब हम, आप देखिए प्राणायाम भी आप आँखें बंद करके ही करिए और सांस छोड़ने से शुरू करिए फोकस, और सांस भरने तक करिए। उससे क्या होता है कि आपका हार्ट और इसका ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि चलिए हमने ये सारा कर लिया, अपना बॉडी रिलैक्स कर ली, मन भी शांत होने लगा, फिर हमारी जैसे आंखें तो बंद ही हैं, प्राणायाम के समय भी आंखें बंद रखनी है। अब हम सबसे पहले ध्यान देंगे मन की आंखों से, सबसे लास्ट में
अपनी जहां गहराई में बिल्कुल लास्ट में एक सेंटर पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जब हम उस सेंटर पॉइंट को ढूंढ लेंगे तो हम उस जगह पर ध्यान लगाते हुए सांस भरेंगे छोड़ेंगे, भरेंगे छोड़ेंगे, ठीक इस तरह से, है ना। तो सेंटर पॉइंट पर ध्यान लगाने के बाद, सॉरी, पहले छोड़ेंगे फिर भरेंगे, छोड़ेंगे भरेंगे। और सांस भरते और छोड़ते समय आपका पेट बाहर नहीं जाना है कि भरते समय बाहर आ गया, नहीं, उससे हमारे लंग्स ठीक तरह से सांस नहीं भरती। तो इस तरह से हमने सबसे पहले छोड़ा तो हमारा बिल्कुल इतना छोड़ा कि हमारी जो पेट है वो स्पाइन को टच करने लग जाए। इतना कोशिश करिए, ज़रूरी नहीं है कि आपका पहली बार में हो जाए, टाइम लगेगा। तो छोड़ने के बाद आपने उस सेंटर के पॉइंट को पकड़ा और उसको ध्यान लगाया, और ध्यान लगाने के बाद, उस पर ध्यान लगाने के बाद आप छोड़ेंगे भरेंगे, छोड़ेंगे भरेंगे, इस तरह से बिल्कुल, लेकिन आहिस्ता, बिना जोर के। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सांस तो वैसे ही लेनी है कि सांस पहले छोड़ी और पेट अंदर गया और उसके बाद और चेस्ट बाहर आई, लेकिन सांस जब छोड़ी तो पेट और अंदर गया, जब वो गया हुआ है उसको हमने वैसे ही मेंटेन करना है, और सांस भरी क्योंकि हमारे लंग्स अब पूरी तरह से रिसेप्टिव हैं, सांस भरी और फिर हमने जब सांस छोड़ी तो पेट और अंदर जाता है, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया। अब इस तरह से हम मूलाधार चक्र को जागृत कर रहे हैं। उसके बाद अब हम सेम प्रक्रिया आंख बंद करके भौहों के बीच में पॉइंट को ढूंढेंगे। उस भौहों के बीच के पॉइंट में ढूंढते हुए हम सेम सांस छोड़ने और भरने की प्रक्रिया रखेंगे। सांस छोड़ना यहाँ से कोशिश करेंगे और सांस भरने की प्रक्रिया जो है बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे। इस तरीके से हम कई रिपीटेशंस करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे उनके बीच में एक कनेक्शन बनेगा। यही दो चक्र हैं जिसमें टाइम लग जाता है, अदरवाइज बाकी जितने भी चक्र हैं वो बीच के कनेक्शन फॉर्म होना इतना मुश्किल नहीं है। कई बार होता है लेकिन इतना नहीं है जितना हम कुंडलनी और मूलाधार चक्र पर टाइम लगता है, उतना हमारा इसमें नहीं लगता। आज्ञा चक्र में उससे कम लगता है, सबसे ज़्यादा लगता है हमारा कुंडलिनी मूलाधार चक्र में, उसके बाद हमारा आज्ञा चक्र में, उसके बाद हमारा बाकी चक्र में, डिपेंड करता है जिसका जो ज़्यादा ब्लॉक्ड है उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आप अभ्यास कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अब आप देखिए, जब आप कुंडलिनी या मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर लेते हैं तो उस केस में हमारा जो है, हम रूटेड हो जाते हैं, हम एक रियलिटी, रियल लाइफ में बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, और स्वास्थ्य तो है ही है। और उसके साथ जब हम ये वाला करते हैं तो इंट्यूशन, तो इंट्यूशन और रियलिटी दोनों को मिलाकर जब चलते हैं तो हमारी ज़िंदगी में हम बेहतर तरीके से डिसीजन ले पाते हैं, सोच पाते हैं, स्वास्थ्य बढ़िया हो जाता है। और जब हम धीरे धीरे, और हम ये देखिए क्या है कि जब हम जैसे बात करते हैं, जब हम अनुलोम विलोम वगैरह करते हैं तो उससे हमारी, और कोशिश करिए कि दोनों साइड हमारी लेफ्ट राइट जब बैलेंस हो जाती हैं तब हम सोच सकते हैं कि सुषुम्ना में हमारे प्राण प्रवाहित हों। तो शुरू हो जाइए, आप सबके लिए बहुत अच्छा है। थर्ड आई, देखा मैंने आपको बिल्कुल सरलता से बता दिया, ये नहीं कि आप बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में घुसे रहें जिंदगी भर। और इसी मोड पर मैं आप सभी से आज्ञा चाहूँगी, कल फिर मिलेंगे। कोई और जो आप, मुझे लगता है आप लोग पूछ रहे हैं और उसका जवाब देना है, और बहुत सारे लोगों की इच्छा है, तो फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।